हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ, हरियाणा बोर्ड के जो है कंपार्टमेंट वालों के, इम्प्रूवमेंट वालों के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जुलाई के अंदर, जी हाँ, उनके एडमिट कार्ड यानी कि रोल नंबर कब आने वाले हैं और वो रोल नंबर जो है क्या आपको स्कूल में मिलेंगे या आपको खुद को डाउनलोड करने होंगे। जी हाँ, ऐसे कुछ डाउट जो है लगातार कमेंट कर रहे हैं कई भाई, साथ में मैसेज करके पूछ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे, आपके रोल नंबर कब आएंगे और स्कूल में मिलेंगे या आपको खुद डाउनलोड करने होंगे। पूरी अपडेट के लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखें, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जी हाँ, आपको हरियाणा बोर्ड की सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल पर दिखाई देती है, आपको पता होगा। अब हम बात करते हैं, जी हाँ, रोल नंबर आखिरकार कब आने वाले हैं। तो आपको बता दूँ कि जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो जुलाई में होने वाले हैं, वो भी डेट शीट आ गई आपके 3-4 तारीख को लगभग एग्ज़ाम आपके 10वीं 12वीं के। अब हम बात करते हैं आपके रोल नंबर कब आ सकते हैं। जी हाँ, हरियाणा बोर्ड जो है रोल नंबर जो है लगभग 10 दिन पहले ही जारी करता है, 10 या 11 दिन पहले ही जारी कर देता है। इसका मतलब है यानी कि आपके रोल नंबर 22 या 23 जून के आसपास आ सकते हैं। जी हाँ, डेट आगे पीछे हो सकती है 2 या 3 दिन। जी हाँ, आपके रोल नंबर जो है 25 तारीख के आसपास पक्के आ जाएंगे, 22 23 को भी आ सकते हैं, चांस है, कम है, लेकिन 25 तक आपके जो है रोल नंबर कंफर्म आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं रोल नंबर आपको क्या स्कूल में मिलेंगे। जी नहीं, आपको स्कूल में नहीं मिलेंगे, आपको खुद को डाउनलोड करना होगा, वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड करना है रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर डालकर। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तब आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा वो डालना, साथ में जो मार्च में एग्ज़ाम हुए थे वो रोल नंबर डालकर आपको जो है डाउनलोड कर लेने हैं वेबसाइट से। बाकी रोल नंबर आते ही मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा, सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।